गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल गोइंग टू रीड मॉड्यूल फाइव इन मॉड्यूल फाइव वी डू लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट टेंसेस 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 डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट टेंस डिनोट करते हैं हमारे कार्य के समय को एज वेल एज द स्टेट और साथ के साथ स्थिति को टेंस हैज़ थ्री काइंड्स, टेंस के तीन प्रकार है. हैं. हैंज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कौन से थ्री टाइप्स हैं इसके प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट टेंस आल्सो हैव फोर काइंड्स. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस As in present tense, past tense also has four kinds past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Future tense. Future tense also has divided into four parts. Future indefinite tense is a simple. फ्यूचर भी बोल सकते हैं सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट भी इन डेफिनेट टेंस को फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट रेफर करता है हमारे प्रेजेंट समय को मीन्स वर्तमान को जो कार्य अब हम कर रहे हैं उस स्थिति को पास्ट डिनोट करता है हमारे बीते हुए समय को एंड फ्यूचर जो आगे आने वाले समय है उसको डिनोट करते हैं टूडे भी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस लेट्स टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस अंडर दिस टेंस वी इंक्लूड द फ्लोइंग एक्टिविटीज़ इसके नीचे हम इन एक्टिविटीज़ को लेते हैं इस पास सॉरी इस टेंस के अंडर में बीफोर टू स्टार्ट अबाउट दिस एक्टिविटीज वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ दिस टाइप सेंटेंस फॉर्मूलाज ऑफ प्रजेंट इन डेफिनेट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ द सब्जेक्ट इज आय वी दे यू और प्लूरल यदि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आए है वी है दे है यू है और प्लूरल है तो हमारे सॉरी सेंटेंस की फॉर्मेशन इस टाइप से रहेगी अगर हमारे सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तो हम पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है हमने नेगेटिव बनाने तो हम कैसे राइट करेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे प्लस डू नोट या फिर डोंट भी हम राइट कर सकते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर हमारे जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन की फॉर्म के फॉर्मेट में हम राइट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि हमारा क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी सेंटेंस की डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर हम राइट कर सकते हैं डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इस टाइप के सेंटेंस के आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ अगर हम इसी सेंटेंस को ये कौन सी सेंस का है पॉजिटिव सेंस यदि हम इसे नेगेटिव बनाते हैं तो हम राइट करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डो नोट या फिर डोंट प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल आई डोंट गो टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जाता यदि हम इसे राइट करते क्वेश्चन वाली फॉर्म में तो हम राइट करेंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो हमें राइट करना होगा डू आई सब्जेक्ट गो टू स्कूल डू आई गो टू स्कूल क्या मैं स्कूल जाता हूँ डू आई नोट गो टू स्कूल इस सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो कैसी है इंटरोगेटिव नेगेटिव इट मीन्स इस सेंटेंस की जो फॉर्म है वो क्वेश्चन में भी है और नेगेटिव फॉर्म में भी है जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं अगर नेगेटिव इनको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है जो नोट से जिनमें हम नोट का यूज करते हैं क्वेश्चन को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं क्वेश्चन एंड नेगेटिव इनको बोला जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव डोंट आई गो टू स्कूल इफ द सब्जेक्ट इज़ ही शी इट नेम और सिंगुलर यदि हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या है ही शी इट या फिर कोई नेम है और सिंगुलर या फिर कोई सिंगुलर वर्ड है तो हमारे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या कैसे रहेगी यदि हमारा हम क्रिएट करते हैं पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस तो हम राइट करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस राइट करेंगे यदि हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम राइट करेंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए ई एस हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ राइट करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप नेगेटिव सेंस सब्जेक्ट प्लस डज नोट या फिर हम राइट कर सकते हैं डजेंट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मीन्स इंटेरोगेटिव डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यदि हम क्रिएट करना चाहते हैं क्वेश्चन एंड नेगेटिव मीन्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो हम राइट करेंगे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फिर हम राइट कर सकते हैं डजेंट क्योंकि हम डज नोट को कैसे राइट कर सकते हैं डजेंट से भी डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेट्स टू टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप सेंटेंस एग्जैम्पल्स द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस ही ही हमारा कैसे है सिंगुलर ही गोज टू स्कूल हमने इसमें वर्ब की फर, फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज करा है ई एस का क्योंकि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ही सी इट है तो उस या फिर किसी का हम नेम राइट करते तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं ही गोज़ टू स्कूल वह स्कूल जाता है ही डज नॉट गो टू स्कूल वह स्कूल नहीं जाता डज डज ही गो टू स्कूल क्या वह स्कूल जाता है इन सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क डज ही नॉट गो टू स्कूल लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और नोट का भी यूज़ हुआ है तो ये कौन सा टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव वह स्कूल नहीं क्या वह स्कूल नहीं जाता डज हम इसकी जगह डजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं डजेंट ही गो टू स्कूल क्या वह स्कूल नहीं जाता हमारे ये दोनों सेंटेंस ठीक रहेंगे लेट्स टू डिस्कस अबाउट द एक्टिविटीज दैट कम्स अंडर दिस टेंस लेट्स टू डिस्कस द फर्स्ट एक्टिविटीज दैट कम्स अंडर दिस टेंस इज़ रिलेटेड टू अवर रूटीन एक्शन हमारे जो प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उनको हम इस टेंस के अंडर में राइट करते हैं इसमें हमारे टू एक्शंस होते हैं रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन रेगुलर एक्शन जिसको हम डेली दे, कर रहे हैं वर्क को जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आई कम हेयर डेली मैं यहाँ हर रोज आता हूँ यानी कि डेली वर्क हो रहा है आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल मैं हमेशा स्कूल पैदल जाता हूँ इरेगुलर एक्शन जो इरेगुलर एक्शन यानी कि वो रेगुलर तो नहीं हो रहे प्रतिदिन तो नहीं हो रहे लेकिन कभी कभी होते हैं जैसे अर्थक्वेक कम्स इन जापान जापान में भूकंप आते हैं। हैबिट्स। यदि हमारी कोई हैबिट है तो वो भी हम इसी टेंस के अंडर में राइट करते हैं जैसे ही स्मोक्स वह धूम्रपान करते हैं ही गेट्स अप एट फाइव ओ क्लॉक वह पाँच बजे उठता है यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते जो सच होते सार्वभौमिक सत्य भी बोलते हैं इनको जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट सूर्य पूर्व में उगता है द अर्थ इज राउंड पृथ्वी गोल है ये इस टाइप के जो बातें होती हैं वो हमारी कैसी होती है यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड सार्वभौमिक जो सभी जगह मान्य होती हैं और सभी उन बातों को मानते हैं या फिर जानते हैं द फ्लोइंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेज आर ओफन यूज इन दिस टेंस नीचे कुछ एडवर्ब्स दी गई हैं या वर्ड्स दिए गए हैं जो इस टेंस में यूज किए जाते हैं कौन कौन से यूजली जनरली ओकेजनली रेयरली always, often, never, sometimes, ever, on Sunday, once a week, month, year, once a week, once a month or once a year etc. इस टाइप के वर्ड्स का इस टाइप के टेंस में, इस टेंस में इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। The next activities is um, to express a fact or something which is true at present. उस फैक्ट को उस बात को को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रेजेंट में सच है वर्तमान में सच है उसके लिए भी स्टेंस का यूज़ किया जाता है फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ डॉक्टर सॉरी शी इज़ अ डांसर वह डांसर है ही इज अ डॉक्टर वह डॉक्टर है दताब्दी एक्सप्रेस रन्स बिटवीन डेली एंड अमृतसर ताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली और अमृतसर के बीच में चलती है द नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस फ्लान्ड इन एडवांस यदि हम पहले से किसी कार्य को की एडवांस में प्लानिंग करते हैं उसको व्यक्त करने के लिए स्पेशली कंसरिंग अ जर्नी ये ज़्यादातर किससे रिलेटेड होते हैं हमारी यात्रा से रिलेटेड या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड टुक सम एग्जाम्पल्स पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह पीएम चाइना के लिए रवाना ये जो टेंस वो रिलेटेड किस से है, हमारे जर्नी से और जो पहले और उसको किस वे में यानी कि एडवांस में उसे प्लान किया गया है इस जर्नी को इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो ज़्यादातर हमें न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखने को मिलते हैं द शिप सेल्स फॉर मेडगास्कर इन जनवरी यह जहाज जनवरी में मेडगास्कर के लिए रवाना होता है वी leave फॉर यूरोप इन जनवरी हम यूरोप जनवरी में रवाना होते हैं द नेक्स्ट एक्टिविटीज इज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है बिगनिंग विद हेयर एंड देयर और इस टाइप के जो सेंटेंस है वो या तो हेयर से स्टार्ट होते या फिर देयर से एंड टू इंट्रोड्यूस विद वर्ब शेज या फिर उन कोटेशन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है जो से से शुरू होती हैं फॉर एग्जाम्पल देयर गोज़ द लास्ट बेल यह लास्ट बेल हो है हेयर इज अ प्लांट यहाँ एक पौधा है लास्ट में हमारा किसका जो ये टेंस हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं देयर हेयर देयर इज अ डोग वहाँ पर एक कुत्ता है द मैसेज सेज स्मोकिंग इज नॉट अलाउड स्मोकिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है जो ये कोटेशन है वो किससे शुरुआत सुरुवा, उसकी शुरुआत किससे हो रही है शेज से तो हमने इसमें किसका यूज़ किया है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का स्मोकिंग इज नॉट अलाउड यहाँ पर धूम्रपान निषेध है शी सेज ऑल इज़ वेल उसने कहा सब ठीक है जो कोटेशन है वो किससे शुरुआत हो रही है उसकी शेज से तो हमने किसका यूज़ किया है यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पॉट एंड इन न्यूज़ पेपर हैडलाइंस या फिर जो हमारी चल रही हैं कमेंट्रीज जो स्पोर्ट्स से जैसे कि क्रिकेट में या फुटबॉल मैच है उन कमेंट्रीज में भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है या फिर न्यूज़ पेपर की हेडलाइंस में भी इस टेंस का यूज़ होता है फॉर एग्जाम्पल विराट कोहल्स द प्लेयर्स एट द नॉन स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक के टाइम विराट ने सभी प्लेयर्स को बुलाया कॉल्स फर्स्ट विराट है नेम आया हुआ है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज किया एस का एंड टू टेक अ रन और एक रन लिया पीएम साइंस डील पीएम ने डील साइन की पीएम कोज टू डेली पीएम दिल्ली गए इन टाइम क्लोज एंड कंडीशनल क्लोज इन प्लेस ऑफ फ्यूचर हम टाइम क्लोज और कंडीशनल क्लोज में भी प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जब भी ये जो टाइम है या फिर कंडीशन जो हमने उसमें दी गई है सेंटेंस में अगर वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है फ्यूचर की किसी कंडीशन या फिर टाइम दिया गया होता है फॉर एग्जाम्पल वी शैल स्टार्ट हम तब शुरू करेंगे वेन द सन राइजेस जब सूर्य निकलेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यदि तुम मेहनत करते हो यू विल सक्सीड तो आप सफल होंगे यहाँ पर जो टाइम यहाँ पर हमने टाइम लिया है टाइम क्लोज है क्योंकि उसने टाइम दिया कि जब सूर्य निकलेगा और सन के साथ हमने किसका यूज़ किया है का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है। ई yes एस का यूज़ किया क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है वो कैसे हैं सिंगुलर इफ़ यू वर्क हार्ड यदि आप मेहनत करते हो यू विल सक्सीड तो आप सफल होंगे इसमें कंडीशन दी गई है यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी तो हमने वर्क वर्क हार्ड यानि कि वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का इसमें यूज़ किया है वेल स्टूडेंट्स लर्न ऑल द एक्टिविटीज़

को फिल अप करना है द फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही यूजवली एडवर्बल फ्रेज का यूज़ किया गया इसमें हमने पढ़ा भी था कि इस टाइप्स के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है यूजवली जनरली ओकेजनली इस टाइप्स के वर्ड्स इस टेंस में देखने को मिलते हैं ही यूजली ट्रैवल्स हमारा सब्जेक्ट क्या है ही और जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या फिर कोई नेम या फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ट्रेवल्स रमन लाइक्स नेम आया हुआ है लाइक्स कैचिंग बटरफ्लाइज रमन को बटरफ्लाई पकड़ना पसंद है द फैमिली एक है यानि कि इकट्ठा लिया गया है गोस सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हम किसका यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का द मुस्लिम्स प्लूरल फॉर्म आ गई है तो हम किसका के हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज़ करेंगे या ई एस का यूज़ नहीं होगा द मुस्लिम्स ब्यूरी देयर डैड्स वो अपने जो मुर्दा होते हैं उनको दफनाते हैं मुस्लिम्स पार्ट बी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू देयर नेगेटिव फॉर्म जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको हमने नेगेटिव फॉर्म में राइट करना है इट रेंस हैवीली इन आवर स्टेट इट शी इट के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस का यूज़ करते हैं और किसका यूज़ किया जाता है जब भी हम नेगेटिव फॉर्म का नेगेटिव सेंटेंस इसको में क्रिएट करेंगे इसको डज का ही शी इट के साथ हम किसका यूज करते हैं डज का या फिर कोई नेम है या या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे डज का नेगेटिव बनाने के लिए उस सेंटेंस को इट डज नॉट इट डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम एस या ई एस एस या फिर ई एस को हम हटा देते हैं इट डज नॉट रेन हैवीली इन अवर स्टेट सुरेश बिहेव्स पोलाइटली विद एवरी वन वो पोलाइटली यानी कि विनम्रता से सभी के साथ व्यवहार करते हैं सुरेश नेम है तो किसका यूज होगा डज का सुरेश हमने इसका नेगेटिव बनाना है सुरेश डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम एस को हटा देंगे बिहेव पोलाइटली विद एवरी वन आई नो हीज एड्रेस मैं उसका एड्रेस जानता हूँ आई का यूज़ हुआ है आई वी दे या फिर कोई भी हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ जब भी हम उसको नेगेटिव में क्रिएट करेंगे तो हम इनके साथ किसका यूज करते हैं डू का अगर सिंगुलर है तो डज का आई डू नोट डू नोट नो ज एड्रेस मैं उसका एड्रेस नहीं जानता वेल स्टूडेंट्स ट्राई टू डू पार्ट सी डी ई एफ एंड जी योर सेल्फ दिस इज़ योर टू डेज वर्क एंड ट्राई टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस थैंक यू